के कह रही है इंब कर लूं। नहीं, शादी के बाद। मैं तो यो कह रहा था कि मेहंदी का शगुन कर लूं, और तू कह रही है शादी के बाद। पर शादी के बाद मेहंदी का शगुन कौन करे? शादी के बाद क्या हम तो कुछ और ही। एक मिनट, तू क्या सोच रही थी? तू कुछ और सोच रही थी ना? अबे बोल बोल के। नहीं वो नहीं, बोलना नहीं। तू बोल, तू क्या सोच रही थी? नहीं वो के बोलना। नहीं वो चुप क्यों है, बोल। हम ये कह रहे थे कि हाँ, हम ये क्या कह रहे थे हम ये? तने कुछ और ही सोचा, बोलना बोलना बोल बोल। हम तो ये जानना है मन ने। बोल, तू क्या सोच रही थी, बोलना। अरे बोल, तू जो सोच रही थी ना वो मन ने। बोल मन ने, सुनना है क्या सोच रही थी, बोल। आप सुनना चाहते हैं? बोलना तो सुनिए। बोल। इतनी देर से कहाँ थे आप? मेहंदी के फंक्शन में क्यों नहीं आए? ओ, उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे। इतनी देर तक खड़ा हूँ यहाँ छत पे तेरा इंतजार करते करते, टाइम पे क्यों ना आई? हाँ, चिट्ठी मिलते ही आना चाहिए ना तबर। तो हम चिट्ठी मिलते ही तो आए हैं, पर हमें सपना थोड़ी ना आएगा कि आपने ये चिट्ठी रखी है हमारे खाने की थाली में। चिट्ठी मिलते ही आए, और जैसे ही हमें चिट्ठी मिले ना यहाँ दौड़ते हुए आया। यो भग भग बंद कर, कब तो बोले जा रही है? सवाल एक पूछता हूँ, जवाब सौ देती है। बोलने की मशीन बावरी कहीं की। इब के रो रही है? हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं हम, बस टूट ना जाए। बहुत डर लग रहा है। विश्वास यो सपना ना है, यो हकीकत है, तेरी और मेरी हकीकत। अगर तन्ने मन से ना हो रहा तो तन से महसूस कर ले। लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज आने वालों से ना है। कहा था कि चुपचाप बैठी रह कर ना, जरा सा इंजेक्शन और दवाइयां क्या बंद करी, तेरा मरा हुआ दिमाग चढ़ने लग गया, कंप्यूटर जैसा चढ़ने लग गया है। सारी शातिरगिरी आ गई तुझे याद? हाँ, तेरी शातिरगिरी मैं यूं निकाल दूंगी, समझी? छोड़ो हमें, हमने किसी को कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। हाँ, चिड़िया की तरह उड़ना चाहती है ना। मर मर अब तू इस पिंजरे के अंदर, तेरे सारे पर कतर दूंगी मैं। फड़फड़ाती रहना फिर अकेले इस पिंजरे में।
माँ, इस चुड़ैल का इंतजाम तो हो गया, लेकिन उस चुड़ैल का क्या जो घर में है? माँ, अगर वो मोल की जेठी की पत्नी बन गई ना, तो समझिए गई हमारी भैंस पानी में। तो चिंता न कर अंजलि, उस कर्म जड़ी के कोई भी अरमान हमने पूरे ना होने दिए तो उस मोल की के सपने कैसे पूरे होने देंगे। वीरेंद्र की असली पत्नी को उसका ना होने दिया तो उसकी होने वाली पत्नी को उसका कैसे होने देंगे? कुछ सोचा है मैंने? ऐसा जबरदस्त प्लान है ना कि वीरेंद्र और मोड़की की शादी बिना होगी और हमारे सारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। अरे क्या हुआ, तुमने चुप चुप क्यों? वो गेंडा और खरगोश हमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है। हमारे ना पेट में ना तितलियां कूद रही हैं। पता नहीं, एक तो हमारी शादी हो रही है और वो भी क्रूर सिंह से। आती, ये कैसे शादी हुई? मतलब? हाँ आती, शादी में ढूला ना घर में बैठ कर आता है। हाँ आती, वो भी पूरी बारात के साथ। हाँ पर आती, बाबा तो बारात लेकर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ आती। गेंडा और खरगोश, हमारी शादी तो उनके घर में ही हो रही है ना, हम भी यहाँ पे और शादी भी यहीं पे ही है, तो फिर बारात किस बात की? वैसे गेंडा और खरगोश, तुम दोनों को एक बात बताएं, हमारा ना बचपन से ये सपना था कि हमारा दूल्हा बारात लेके आए घोड़ी पे, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर ये सब कुछ छोड़ो, हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमारी और मुखी जी की शादी हो रही है। वो हमें अपनी पत्नी का दर्जा तो दे रहे हैं, हम बहुत खुश हैं उस चीज से। हाथी आप खुश तो मैं भी खुश। और मैं तो बहुत खुश। चलो अब इसी खुशी में जल्दी से सेब खा लो, आ जाओ अब। मानस, इतनी जिद क्यों कर रहा है? क्या हो गया? अरे कहाँ गए तेरे शूज? पैर क्यों पटक रहा है? अरे बाबा, इसने ना इसकी मैचिंग के शूज यहीं पे बेड के नीचे रख लिए थे, पता नहीं अब कहाँ गए, मिल ही नहीं रहे। अरे जिद क्यों कर रहा है? चुप हो जा, मिल जाएंगे, इधर किधर रख दिए होंगे। अरे पूरे घर में आवाज गूंज रही है तेरी, है कितनी जिद करता है ये बालक। एक मिनट रुक जा, किस बात की जिद है मुझे बता, मैं पूरी करूं। अरे माँ, इसके जूते कहीं रख दिए या खो गए, पता नहीं ना मिल रहे, तो ये जिद कर। चल नहीं दिलवाता हूँ। अरे नहीं दिलवाता हूँ। अरे रुक जा, तेरी शादी है, शादी की रस्में शुरू होने वाली है और तू चुप कर। रुक जा, जूता चाहिए ना तुझे वैसा ही तो दिला देंगे ना जाकर बाजार से। भूरी तू ले जा इसे, भूरी ले जाएगी और वहां जाकर जो पसंद का है ना तेरा जूता वैसा ही जैसा तेरा गुम गया वो दिला देगी, ठीक है? जल्दी जा और जल्दी आना, समझ गई ना तू? जल्दी जा, 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 ले ले, जा, जा, जा। बाय 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 बाय। चलो देखो ना गोवा मेरे वाड़ी जैसे लड्डू। हाँ मैंने खाया, बहुत बढ़िया है। चलो चलो ये लड्डू देखो ने बड़े। अरे वाह वाह, ना कितना सुंदर लग रहा है। हाँ दूल्हे को किसी की नजर ना लग जाए। मुझे आपके एंट्री शूट करनी चाहिए, मैं भी कैमरा लेकर आती हूँ। अरे रुक जा बेटा रुक जा, अभी एंट्री को टाइम है, जब बारात आएगी ना तब एंट्री होगी, तब शूट करना। बारात? अरे क्या बात कर रहा है? देख लड़की भी इसी घर में है और लड़का भी इसी घर में है, तो बारात की क्या जरूरत है भाई? मामा सरकार ओके है ना? बावरी की बचपन से इच्छा थी कि जब दूल्हा उसे लेने आए ना
तो बारात लेकर घोड़ी पे आए, एक उसकी इतनी इच्छा तो मैं पूरी कर सकूं। तो एक काम करेंगे ना, हम लोग सब हवेली के बाहर जाएंगे, बारात लेके अंदर आ जाएंगे। यो बात भी ठीक है भाई, बारात के बिना शादी का मजा ही कोई ना है। अरे जब बारात में झुमके लगा लगा के नाचेंगे तभी तो बारात निकलती है, शादी होती है, अच्छी दिखती है। ना भाई जी, सबसे आगे खड़े होकर नाचेंगे। अरे भांजे की शादी है, बारात में मैं नहीं नाचूंगा तो कौन नाचेगा? माँ यो मानस ना आया अब तक। अरे तू मानस की चिंता ना कर, अभूरी को फोन करके बोल दूंगी, सीधे बारात में लेके आ जाएगी। अगर तुझे इंतजार करना है तो देख ले, वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि आज के बाद मुहूर्त ना शादी का 6 महीने बाद है, इंतजार कर ले। भूरी से के टाइम पे लेके आओ उसे। ना चल फिर, चलो।